أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पिछले हम मुसलसल प्रोग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हम लोग देख रहे थे, ज़बरदस्त अल्लाह की तख्लीक देख रहे थे। यार बोलते ना कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, अल्लाह हर चीज़ का बनाने वाला है, तो अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त चीज़ें हर बनाई। बिल्कुल हर चीज़ है ना प्लान के मुताबिक चलती है, अल्लाह के जो प्लान है उनके मुताबिक चलती है। और फिर आप देखते हैं कि वो एक अंडा, अंडा के अंदर बच्चा बनता है, वो बच्चा निकलता है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो अंडा देता है, फिर उसके बच्चे बनते हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से चला रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इस निज़ाम को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, नेचर, फितरा। ये अल्लाह की फितरा है, अल्लाह ने इस तरह इस चीज़ को पैदा किया। तमाम देखें आप अंडा जो भी है ना, अच्छा अंडे को अगर आप 200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में ले जाए तो क्या होगा मुस्तफ़ा, कोई बताएंगे? अगर अंडे के इंक्यूबेटर को हम इंस्टेड ऑफ 101 डिग्रीज हम अगर 200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में ले जाए तो क्या होगा? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? वो पक जाएंगे। नहीं, क्या होगा, बच्चे निकलेंगे उससे? भाई देखिए 101 डिग्रीज में, 101 डिग्रीज में 21 दिन में बच्चे निकलते हैं, तो 200 डिग्रीज में ले जाएंगे तो 10 दिन में बच्चे निकलने चाहिए, क्या ख्याल? नहीं, ज्यादा गर्म हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स, ये बताता है कि अल्लाह ने हर चीज की एक लॉ बनाई हुई, उस लॉ को हम फॉलो करेंगे तो उसका नतीजा हमें मिलेगा, ठीक है? और अगर उस लॉ को हम फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हर चीज में ही होता है, इसी तरह अल्लाह का जो बनाई हुई तमाम लॉज हैं, वह इंसानों के लिए हों या हैवानों के लिए हों या सितारों के लिए हों, तो वो लॉ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना? सब चीज इंसान और जिन को अल्लाह ने ये बोलिए कि फ्रीडम दी है कि वो चाहे तो कुछ लॉज को, अल्लाह ने जो लॉज बनाई है भाई ऐसा करना ऐसे नहीं करना, अच्छाई के काम करना बुराई के काम नहीं करना, ठीक है? तो इंसान को फ्रीडम दी है, वो चाहे तो इन लॉज को फॉलो करे, ठीक है, और चाहे तो इन लॉज को फॉलो नहीं करे। ये किसी और के पास फ्रीडम नहीं है सिवा इंसान और जिन के, और अल्लाह ही बेहतर जानता है अगर अल्लाह ने किसी और को भी फ्रीडम दी है। लेकिन तमाम जो जानवर हैं, परिंदे हैं, जो वॉल्केनोज हैं, जो सैारे हैं, जो सितारे हैं, जैसे सूरज, सूरज की रोशनी वहाँ पे वहाँ पे जो है हीट जनरेट होना, वह कंटिन्यूस रिएक्शन, ये सब अल्लाह ने बनाए हुए हैं और वो अल्लाह के लॉ को फॉलो करते हैं, उसके सिवा डेविएट नहीं हो सकते, उससे नहीं हट सकते कोई चीज़ जो है ना, नहीं हट सकती। इंसानों को अल्लाह ने ये तैयार दिया है, इंसान और जिन को, कि वो चाहे तो फॉलो करे नहीं करे। अच्छा अब आप ये बताइए, अभी मैंने आपसे सवाल किया था ना कि अंडे को 200 डिग्रीज पे ले जाए तो 10 दिन में बच्चे निकलने चाहिए, अगर 100 डिग्रीज में 21 दिन में निकलते हैं तो सही बोला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, कि अब्दुल्ला सॉरी मुस्तफ़ा ने सही बोला कि जो है वो अंडे जो है वो पक जाएंगे, वो बच्चे नहीं निकालेंगे, इसलिए वो लॉ फॉलो नहीं करेंगे। तो लो फॉलो करने के लिए हम 101 डिग्रीज रखते हैं और 21 डेज में जाके आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर जर्दी और जो सफेद मादा होता है अंडे के अंदर, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ स्मॉल चिक, चिकन बन जाता है, ठीक है ना? तो वो लो फॉलो करेंगे। अगर आप वो लो फॉलो नहीं करेंगे और आपको एक्साइटेड हैं भाई हम 200 डिग्रीज कर देते हैं तो बच्चा जो है 10 दिन में बन जाएगा, आप देखेंगे कि वो अंडे वो बनेंगे नहीं बल्कि वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है? तो हर चीज़ को अल्लाह की लॉ फॉलो करनी पड़ती है, और अल्लाह की अगर लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा? आदिया आप बताएंगी, अगर अल्लाह ये जिस तरह हमें चीज़ों को आप बोलिए कि किसी असूल के तहत रखा है, लॉ के अंदर रखा है कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा हादिया, बताएंगी?
हादिया या इब्राहिम बताएंगे कौन है यहाँ पे, और मेरे छोटे साथी कौन है यहाँ पे? हाँ भाई, चले मेरे जो काम बड़े खराब हो साथी जाएगा है जी नहीं यानी वो फिर वो आप गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा होता क्या है, ये मैंने बड़े बचपन में समझा था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात मैंने बचपन में समझ लिया था कि हर चीज़ जो है ना, आप देख रहे हैं कि दरख्त है अपनी जगह पे है, हवा आती है तो हिलता है, पत्ते हिलते हैं, फिर वो एक दफ़ा देखते हैं कि आप वो फूल निकाल रहा है, फिर वो फूल से कुछ फल निकल आते हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह की लॉ फॉलो कर रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ जो है पीस में है, एक दूसरे के साथ जो है ना वो गड़बड़ नहीं हो रही, सब एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, दुनिया में जो है बोलिए अमन है, उसकी वजह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है चीज़ें। मिसाल के तौर पे अब आप देखिए, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया, क्या ज़बरदस्त चीज़ बना दी। छोटा सा पैदा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए उसके बाल सफ़ेद हो गए और फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ये सब अल्लाह ने लॉज बनाए हुए हैं ना। अच्छा, आप इंसान को भूख लगती है तो क्या करता है, इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है। अच्छा, जो खाना खाता है वो सब्जी होती है या गोश्त होता है, कुछ भी होता है, वो अल्लाह ने बनाया, उसके तरीके हैं। ठीक है ना, वो उसका मौसम होता है, उसके बीज होते हैं, वो निकलता है और फिर वो आदमी आदमी के लिए निकलता है, आदमी वो खाता है, उसको ताकत मिलती है। और वो इसी तरह अल्लाह का जो पूरा निज़ाम है वो बहुत ज़बरदस्त है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की नीड्स भी पूरी हो रही हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना पीस में है, अमन में है, गड़बड़ में नहीं है, क्योस में नहीं है। आ गई आपकी बात। चावल आपको पता है चावल मुश्किल से ग्रो होते हैं? दोबारा बोलिए बेटे। आपको पता है चावल कितने मुश्किल से ग्रो होते हैं? हाँ, सुभान अल्लाह, आप देखिए कि उसमें कितनी चीजें लगती है, सनलाइट, वाटर, पहले तो पानी चाहिए होता है चावल को लगाने के लिए, फिर इतनी सनलाइट और हवा और ये सब चीजें जो है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ये सब चीजें मिल के दे कंबाइंड विद ईच अदर, यू नो, सब मिलके फिर वो चीज प्रोड्यूस करती है। तो अल्लाह की पूरी दुनिया में जो है ना वो पीस है, वो एक आपस में उनका कनेक्शन है और वो कनेक्शन जो है वो उसमें केओस नहीं है, वो बहुत ही बोलिए कि अच्छी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही है, तो आप जब इसको डिस्टर्ब करते हैं ना, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप हमें बोला गया है कि भाई देखो अल्लाह की इस दुनिया में अच्छे काम ही होने चाहिए, अल्लाह की इस दुनिया में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, अल्लाह की इस दुनिया में किसी को हर्ट ना करें, कोई जख्म ना लगाएं, किसी को मारें नहीं, अल्लाह की जो मखलूक है उससे अच्छा बर्ताव करें। हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, तुम शिकार भी कर सकते हो, ठीक है, तुम जो है वो अपने बागीचे से मूलियाँ निकाल सकते हो, गोभी ग्रो कर सकते हो, टमाटर ग्रो कर सकते हो, ये तो ये सब एक दूसरे के साथ जो है दे आर वेरी वेल इन पीस विद विद ईच अदर। फिर अल्लाह बोलते हैं कि देखो कि तुम करो। जी बोलिए। आप कभी हंटिंग पे गए हैं? हाँ, मैं बचपन में जाता था उस वक्त मैं बचपन में क्या हंट करते थे? वी यूज्ड टू हंट डक्स, वाइल्ड डक्स जो होती हैं वो, उनको हम हंट करते थे। डियर की हंटिंग में भी गए लेकिन डियर का हंट नहीं मिला नहीं वो था, यानी बहर कैफ जरूरत है ना इंसान को। तो जी जी, जंगल में थे, ईस्ट पाकिस्तान, उस अभी बांग्लादेश है, उसमें एक जगह है चिटागोंग, उसमें पहाड़, पहाड़ी इलाका भी है, उसमें पहाड़ी इलाके के ऊपर जो है जंगल है और उसमें जो है जंगली गाय भैंस जो होते हैं ना, जंगली बाइसन्स कहलाते हैं, वो थे बहुत, वो हमने बहुत देखे, बड़े शरीर भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो अटैक भी कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा ख्याल आपको अटैक करा था? दोबारा बोलिए बेटे। आपको उन लोगों ने अटैक करा था? नहीं, वो अटैक करने वाला था, फिर हम रुक गए थे, फिर क्या हुआ कि हम लोग एक साथ
सात आठ लोग थे, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, मैं 13 इयर्स का था, 14 इयर्स का होगा। तो हम लोग एक छोटी सी जंगल में ना पगडंडी सी बनी हुई थी, तो हम लोग लाइन आके 7-8 लोग 9 लोग जो है वो जा रहे थे। तो आगे हमारे जो है वो एक आर्मी अफसर थे, उनके पास पिस्टल थी और गन भी थी। वो हम लोग जब उतर रहे थे, वो पहाड़ी था, पहाड़ी में पगडंडी जंगल से बीच में से उतर रहे थे, तो उन्होंने देखा आगे एक बाइसन खड़ा हुआ है और वो पाँव मार रहा है ना गुस्से में, तो उन्होंने हम सबको रोक दिया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें पीछे से बोला कि तुम लोग पीछे से जाते रहो, पीछे जाते रहो, पीछे। हम लोग पीछे थे, वो हम लोग पीछे आगे उससे दूर चले गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बैकआउट किए, वो पिस्टल उनकी तैयार थी कि अगर वो अटैक करेगा तो पिस्टल से मारेगा, तो वो भी फिर आहिस्ता 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 पीछे आ गया। तो हम असल में बाइसन का शिकार नहीं कर रहे थे, हम लोग गए थे डियर का शिकार करने। तो मैं करता था, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता कि किसी चीज़ को ऐसे ही अपने शौक के लिए मार दूँ। हाँ ये है कि खाने के लिए आप जाइए, आप जो भी शिकार करें हद से ज़्यादा ना करें। आप जो है जब हद से ज़्यादा करेंगे तो आप कयास अल्लाह के बोलिए कि एक मखलूक को खामखा नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो वो फिर जो है इसी तरह जो जानवर हैं, गाय ज़बा हम करते हैं, बकरी ज़बा करते हैं, मुर्गी ज़बा, वो अल्लाह ने इजाज़त दी है कि देखो अपने खाने के लिए कर सकते हैं, खामखा नहीं कर सकते वो किसी मुर्गी को जाके मार दें, किसी बकरी को जाके मार दें, किसी गाय को जाके मार दें। इसलिए कि हमें अल्लाह का असूल फॉलो करना होता है। जब अल्लाह का असूल हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है, फिर हम वी आर एट पीस विद ऑल द क्रिएशन। ठीक है ना, हम लोग जो है बोलिए कि तसादम में नहीं जाते, हम जो है बोलिए कि उन चीज़ों से हम मिल के, यानी आप बोलिए कि अल्लाह का तो मालूम है ना कि किसकी क्या ज़रूरियात है, उस ज़रूरत को इस हिसाब से तो अल्लाह ने चीज़ें पैदा की हैं। लेकिन हम जब खामा खां ज़्यादती करते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं तो वो चीज़ फिर दुनिया में कम हो जाती है, इसलिए कि हमने ज़्यादती की है। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं कि जब हम ओजोन लेयर, जब हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने फेंकनी शुरू कर दी गाड़ियाँ इंडस्ट्री खामा खां का भी, तो वो फिर क्या हुआ कि ऊपर से ओजोन लेयर डैमेज हो गई, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट जो रेस थी वो आने लगी, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ गया। तो हर चीज़ बैलेंस्ड है और हर चीज़ जो है वो इस्लाम में है, इस्लाम का मतलब सिल में है, पीस में है हर चीज़। तो अगर अल्लाह के, जैसे अल्लाह ने इंसान को और जिन को फ्रीडम दिया है कि चाहे तो गलत काम करें चाहे तो अच्छा काम करें, गलत काम करें तो उनको सज़ा मिलेगी, अच्छा काम करें तो अल्लाह उनको जजा देगा, जन्नत में जाएंगे। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो फिर अल्लाह की बात मान रहे होते हैं, तो फिर हम दीन के अंदर होते हैं, अल्लाह की दीन के अंदर होते हैं। हमारी हर चीज़, हमारी सोच, हमारे काम, सब चीज़ जो है अल्लाह की दीन के अंदर होते हैं। और जब हम उसको छोड़ देते हैं और जान के गलत काम करते हैं, या अल्लाह के इनकारी हो जाए या अल्लाह के बागी हो जाए, तो फिर हम उस दीन से निकल जाते हैं और फिर हम कयास में आ जाते हैं, फिर हम नुकसान उठाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं, दिमागी जहनी बीमारियाँ भी, जिस्मानी बीमारियाँ भी, हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, हम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे से हमारा जो मोहब्बत है, हमारा लव है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि हम जो है बेचैनी की हालत में चले जाते हैं, सिल्म से हट के हम बेचैनी की हालत में चले। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जो हम सब चीज़ें जो देख रहे हैं ना, इन हर चीज़ जो आपने देखी, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, या आपने कीड़ों को देखा, या आपने मुर्गी के बच्चों को देखा, या आपने पौधा किस तरह निकलता है, या वाटर साइकिल किस तरह निकलती है ना, वो सब अल्लाह के लॉज हैं और ज़बरदस्त लॉज, इंसान नहीं बना सकता वो लॉज, लॉज सिर्फ अल्लाह बना सकता है। जो नेचुरल लॉज हैं वो सिर्फ अल्लाह बना सकता है, इंसान फॉलो कर सकता है, उन लॉज को फॉलो करके कोई चीज़ बना सकता है। जो हमने गाड़ी बनाई है वो उन लॉज को हम फॉलो करते हैं, बहुत सारी लॉज उसमें आती हैं, तो उसको जो है हम फॉलो करके हम एक नई चीज़ बना लेते हैं। इसी तरह एरोप्लेन हुआ, आपकी बाइसिकल हुई, आपका फैन हुआ, आपका हर चीज़ जो है अल्लाह की लॉज को हम फॉलो करते हैं,
और ये इंसान को अल्लाह ने खासियत दी है कि इंसान को बहुत क्रिएटिव बनाया अल्लाह ने। इंसान की मेन क्वालिटीज में जो एक सबसे बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है वो क्रिएटिविटी, नई चीजें के बारे में सोचना, नई चीजें बनाना, चीजों को समझना, उनको एनालाइज करना, अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये सब अल्लाह ने इंसान को ये कैपेबिलिटी दी है और बोला है कि भाई तुम जाओ इस दुनिया ज़मीन में जाओ और तुम मेरे नायब हो, मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो और दुनिया की हालात को सही करो और जो मेरा दीन है वो तमाम इंसानों पे गालिब करो, तमाम जो आप बोलिए इंसानों की पॉपुलेशन है उसमें तुम जो है इम्प्लीमेंट करो, ये तुम्हारा काम। तो वो बड़ा मज़ेदार काम है, इंशाल्लाह हम वो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि दीन का काम बहुत ज़बरदस्त होता है। अल्लाह ने जो इसमें इकबाल ने बहुत सारी अशार बोले हैं और इकबाल तो बोलते हैं कि अगर तुम क्रिएटिव नहीं हो तो तुम मुसलमान नहीं हो, इकबाल ये बोलते हैं। तो एक मुसलमान को बड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, सही है। व्हाट वी विल डू, मैं एक आपको एक बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, सही है, और उस वीडियो के बाद फिर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि भाई आप लोग जो है वो शेयर करें। एक मिनट, लेट मी सी, सेशन, अमेजिंग क्रिएचर्स, ओके, मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को नजर आ रही है या नहीं आ रही, आवाज आ रही है या तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को। मुस्तफा अब्दुल्ला ये तस्वीर नजर आ रही है जी? ओके, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। इसका नाम है अमेजिंग क्रिएचर्स। محمد وآل محمد
يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن السلام عليكم सुभान अल्लाह, आपने देखे कैसे अमेजिंग क्रिएचर्स अल्लाह ने बनाए हैं. और बहुत सारी चीजें तो आपको नजर आती है, बहुत सारी समुंदर के नीचे बॉटम में आपको बड़ी सारी चीजें जो बड़े सारे क्रिएचर्स अल्लाह ने जो है वहां पे बनाए, बहुत खूबसूरत. बहुत अल्लाह ने ऐसा नहीं किया हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया. देखिए कि कलर कॉम्बिनेशन, जो एक फूल की पत्ती होती है ना, फूल जो उसके पेटल्स होती हैं, उनकी क्या जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन होती है. अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह इज ऑल क्रिएटिव, अल्लाह इज अ ब्यूटीफुल डिजाइनर. बहुत जबरदस्त डिजाइनिंग अल्लाह इंसान को क्या जबरदस्त बना लिया, आप खुद देख लीजिए. फिर सिर्फ इंसान को नहीं, जो इंसानों में मोहब्बत पैदा की, जो कनेक्शन पैदा किया, माँ बच्चों में मोहब्बत, बाप बच्चों में मोहब्बत, प्लांट लिया था जो जिसका जैसे मुंह होता है वो बन बन स्लाइड रैप. अच्छा, डिड यू ट्राई उसमें कुछ डाल के देखा, वो बंद होता है उसका? उसने हमने मक्खी उठा के अंदर डाली तो उसने खा लिया. उठा के डाले तो खुद ही उड़ रही थी. अरे तेरी, खुद ही भी वो फ्राई कैच थी उसके. वो है अभी प्लांट खत्म हो गया? खत्म हो गया, लास्ट ईयर लिया था, लास्ट ईयर. अच्छा, कभी लेना उसकी छोटी सी मूवी बना लिया करे. जी आदिया, आप बोल रही हैं, आप कुछ आपने देखा आदिया वो प्लांट जो के? जी मेरे पास वीडियो है वीनस का. अच्छा, तो फिर वीडियो दिखाइएगा. वो वीडियो दैट इज अमेजिंग, माशाल्लाह. ये वीडियो आपने डाउनलोड की है, खुद बनाई है? खुद बनाई है. अच्छा, जबरदस्त. तो अभी है, अवेलेबल है, वो देख सकते हैं? ढूंढनी पड़ेगी, हम ट्राई करते हैं, थोड़ी देर रुकें. अच्छा चले, फिर आप वो तैयार रखिएगा, नेक्स्ट टाइम वी कैन सी. आयना कैसी है बेटी आप? मैं ठीक हूँ. खैरियत से? आज आप बहुत खामोश हैं. तो आपने इसमें देखा था कि वो हाथ में उसने फ्लाइंग फिश पकड़ी हुई थी, एक फिश पकड़ी हुई थी जिसके बड़े बड़े पर्थ थे. जी, स्क्विड, स्क्विड और ऑक्टोपस. अच्छा, नहीं नहीं ऑक्टोपस नहीं, वो जो फिश थी ना जिसके फिन्स जो थे वो पर्थ की तरह थे, ब्लैक कलर. जी जी. अच्छा, ये फिश समुन्दर में बहुत होती है. हम लोग जो है शिप में जब मैं होता था ना, तो ये हम देखते थे फिश, ये तकरीबन 400-500 meters तक ये फ्लाई करके जाती है, फिर पानी में गिर जाती है. कभी कभी ये फिश जो है पानी से उड़ती थी और हमारे जहाज के ऊपर आके गिर जाती थी. तो इनके बड़े बड़े जो है, ये फिश ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, जो हमने देखी है 7-8-9 inches की होती थी. और लेकिन ये कि वो सुभान अल्लाह पानी के ऊपर उड़ती थी, फिर वो पानी में चले जाती. इसी तरह डॉल्फिन हम बहुत देखते थे, ब्यूटीफुल. फिर इतनी खुश होती थी डॉल्फिन जहाज के साथ साथ जो है ना, वो गोते खाते हुए जो है उसमें पूरी पूरी फैमिलीज होती थी, बड़े और छोटे बच्चे भी होते थे उनके साथ. और हमारा जहाज जो था तकरीबन 20 miles an hour के हिसाब से चलता था. स्पीड जो होती थी ना, वो आप बोलिए कि अराउंड से 30-35 kilometers an hour 30-35 kilometers an hour जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो जो है डॉल्फिन है उससे कहीं तेज. यानी मेरा ख्याल डॉल्फिन कैन गो अप टू, मेरा ख्याल है 50
किलोमीटर एन आवर, 60 किलोमीटर एन आवर, वेरी फास्ट। तो वो जहाज के साथ खूब खुश होते थे, पानी के ऊपर छलांगे मारते थे। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल साइट टू सी। अब आप ये बताइए, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपसे बोल रहा था ना कि किसी चीज को खामखा हमें तंग नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो उसका नेचुरल हैबिटेट है जिसमें वो नेचुरली रहता है, कोशिश ही करनी चाहिए कि वैसे ही हैबिटेट में उसको रखें, वो नॉर्मल लाइफ है ना। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि हम तितली को उठा के किताब के बीच में रख देते हैं, वो तितली मर जाती है। या फिर किसी भी चीज़ को हम अपनी जगह से अगर उसको हटा देते हैं वही अपने देखने के लिए, तो होता क्या है मैं आपको बता दूँ। कुरान शरीफ बोलती है कि जो ज़मीन में चलने वाले मखलूक है और जो उड़ने वाले हैं वो तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं, तुम्हारी ही तरह के उनका सिस्टम है उम्मत का, और वो सब अल्लाह की तरफ पलट के वापस जाएंगे। तो इसका फिर आप देखते हैं कि जितने भी जानवर होते हैं उनकी फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, माएँ माँ बाप मिलके बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं। अगर हम खामा खां माँ बाप को मार दें या हटा दें या वहाँ से, फिर बच्चे सफ़र करेंगे, बच्चे मर जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह किसी चीज़ के बच्चे को, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना, ये कराची का किस्सा है। और मैं गाड़ी में जा रहा था, तो गाड़ी में मैं जा रहा था एक बाजार से, तो मैंने देखा एक बिल्ली सड़क के बीच में बैठी हुई है। अच्छा मैंने बोला हट जाएगी, मैं जाते गया उसके करीब जो है गाड़ी पे, तो वो बिल्ली हट के नहीं दी, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल करीब चले गया, टायर के पास आ गई, वो वहाँ से नहीं हिली। तो फिर मैंने गाड़ी रोकी और मैं नीचे उतरा और मैंने देखा है क्या ऐसा, खैर क्यों नहीं बिल्ली हिल रही। तो मैंने देखा कि उस बिल्ली के बच्चे के ऊपर वो मरा हुआ बच्चा एक पड़ा हुआ था, और वो प्रोबेबली कोई गाड़ी गुजरी थी उसके ऊपर से, और वो बिल्ली अपने बच्चे की जो उसकी बॉडी थी, डेड बॉडी, उसके पास जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो सुभान अल्लाह, मैंने बोला कि आप देखिए कि जानवर हो, जिस तरह इंसान जो है, जो माएँ होती हैं इंसान, वो अपने बच्चों से इतने मोहब्बत करती हैं और उनका ख्याल करती हैं, इस तरह जानवर भी करते हैं, उनके दिल में भी मोहब्बत होती है। तो हमें उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, हमें इस तरह ना करें कि किसी तरह हमारी वजह से उनको नुकसान हो, उनके बच्चों को नुकसान हो, उनकी अम्माएँ जो हैं वो गम में जाएँ। जी बेटे मुस्तफ़ा बोलिएगा। हम आपको दिखाएं वो वीनस फ्लाई ट्रैप की वीडियो? हाँ हाँ दिखाइए प्लीज। आप हमको शेयर स्क्रीन करने के लिए अलाउ कर दें तो? ओके ओके ओके, मैं अभी आपको करता हूँ। Yes. Chat. My participants. Participants. Make co-host. चलिए करिए। माउस में कट रहा है। ओके देखिए हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा सुभान अल्लाह। ओके ओ जबरदस्त।
अल्लाह, मीन दे बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हां एक कीड़ा अंदर डाला लाइक एनिमल, लाइक एनिमल, हां अच्छा एक कीड़ा यहाँ पर डाला था और उसको थोड़ा अंदर डाला था, उसने खा लिया था। अच्छा तो वो कीड़ा खत्म हो गया था जब दोबारा ये खोले, जब इन्होंने खोला अपना आर्म्स खोले। हमको याद नहीं है, मर अच्छा, गया तो था वो असल में। हाँ वो मर गया, मर तो गया होगा, फिर उनके अंदर से ना एसिड्स निकलती हैं, उसको फिर दे डिसॉल्व देयर फूड और वो वापस जो है उनके फीड में चले जाते हैं। जबरदस्त देखा आपने तजमीन, देखा क्या जबरदस्त चीज थी। आप कोई वीडियो बताएंगे? वीडियो मैं नहीं, मैं आप लोगों से बोलूंगा आप लोग शेयर करें, आप लोगों के पास अगर ये जबरदस्त ये कोई मुझे वो आदिया कुछ दिखा रही सही है, कोई आप लोग मुझे बताइए अब आप लोग, आप लोगों की क्या डिस्कवरीज हुई और आप लोगों ने क्या किया। मैं दिखा तो सकता हूँ वीडियो, लेकिन आप मुझे बताने के माता फर्स्ट टाइम मेरे फ्लाइट ट्रैप है तो हम उसका पास हाथ नहीं लेके जाते, हमको रखता है वो हमको खा लेगा। किसको? दोबारा बोलिए। वो जो वीनस फ्लाइट ट्रैप था पहले उसको हाथ नहीं लगाते थे, हमको रखता था वो हमको खा लेगा। अच्छा नहीं खैर वो मेरा ख्याल है इंसान को नहीं कर सकता वो, लेकिन ये कि डर लगता है ना उसे, ये सुना है आई डू नॉट नो आई वी हैव टू इन्वेस्टिगेट कि ये जंगलों में जैसे अफ्रीका वगैरह में या अमेजोन में ये बड़े बड़े होते हैं और ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं ये खा लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, उसको देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कितना होता है। लॉन्ग टाइम अगो बेर क्या भी लॉन्ग टाइम अगो जब डायनासोर रहते थे उस वक्त इतने बड़े बड़े होते थे। अच्छा ये प्लांट भी? हाँ ये वाला प्लांट बहुत बड़ा होता है, वो या वही नहीं होता एक और होता है। अच्छा जी इसके मुझे वही पड़े बैठे शायद उसामा को मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, सॉरी सॉरी। चले ये तो आप लोग मुझे कुछ शेयर तो करें, आप लोग यहाँ पे कौन है, आमना है। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटे, जुवेरिया अस्सलाम। ये तो अब दोबारा बोलिए बेटे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ हाँ दिखाइए बेटे, ये एबेस्कस आप इस्तेमाल करती हैं, आपको इसका आता है कैलकुलेट करना एबेस्कस का? ये जो बेड्स जो लकड़ी का पड़ा हुआ है जिसमें लाल और नीले और ओके दिखाइए मुझे। मैं आपको क्या आप वो शेयर करेंगे कोई वीडियो है या प्रैक्टिकली कोई चीज दिखाएंगे? आपको वीडियो शेयर करेंगी बेटी जवेरिया? नहीं ये हमने अपने घर में बनाई हुई है। क्या है वीडियो या आप मुझे कोई चीज दिखा रही है इसमें? कुछ हाँ दिखाइए मदद है, दिखाइए दिखो। ये है मस्जिद, ये तो आपके अम्मी ने मेरे शेयर भी की थी। है अच्छा मैं वो देख नहीं सका था कि कितनी बड़ी है ये जो है, उसमें लग रहा था कि बहुत बड़ी सी है ये, घड़ी से आप समझ में आ रहा है ठीक है। हाँ टेबल के ऊपर बहुत, और ये किस चीज के बने हुए हैं, ये जो मीनार बने हुए हैं ये किस चीज के बने? ये वो अच्छा ये घर ही की,
ये घड़ी की चीजें मैं देख रहा हूँ, ये नमकदानी वगैरह है और बर्तन है, बहुत जबरदस्त। चैन बताओ सारा कुछ। चैन जी माशाल्लाह, मस्जिद में तो आपकी घड़ी भी लगा दिया आपने मस्जिद में, जबरदस्त माशाल्लाह। देखा आप लोगों ने, सुभान अल्लाह। ये अच्छा, इसके मीनार के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, दिखाइए मीनार के ऊपर। जी ना, आपको नजर नहीं आ रही ये तस्वीरें, पिक्चर नहीं नजर आ रही, देखिए कुछ आपके पास जबरदस्त है। ये के नहीं ये बोतलें हैं ऊपर, आपको बहुत अच्छा। इसके अंदर का भी तो कुछ था, अंदर भी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, वेरी क्रिएटिव। उनको बताओ कि ये माइक के आगे बताओ। हाँ बताइए। अच्छा ये वो लगे हुए लाउड स्पीकर्स भी हैं, जो वो माइक्स भी हैं इमाम की जगह एक खड़े होने की, वो है जबरदस्त। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो है वो ब्लॉक, वो ब्लॉक्स है पीछे ब्राउन रंग के, जो एक दरवाजा भी है। हाँ ये दीवार बना, ये रूम में वो जो ये वो होगा। अच्छा जबरदस्त है। मुस्तफा आप कुछ इसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे कुछ दिखाना है। अच्छा चले पहले हम ये तो देख ले, जबरदस्त चीज माशाल्लाह। फिर आप देखा ये बात नलसा सही है, माशाल्लाह। और ये नीचे ये बर्तन है, नहीं नीचे डिब्बे हैं क्या है, जो आपने ये गोल बनाया है उसका गुंबद भी है। ये ना ये एक वो था, वो ना इसके ऊपर एक वो बाल्टी सी थी टाइप ऑफ मीनार की ना, तो उसको मैंने पेंट किया है मैंने। ओह और इसके ऊपर वो भी लगा हुआ है ना, वो जो होल्डर होता है शावर होल्डर, आपने बहुत क्रिएटिव माशाल्लाह। वो आपने चांद चांद बना दिया उसका। हाँ चांद बना दिया भाई, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। देखा आइडियाज आइडियाज, ये इंसान में क्रिएटिविटी होती है ना बेटे। मैं आपको दूसरी मस्जिद भी दिखाता हूँ। कौन सी, ये जो बनाई हुई सोफे से बनाई हुई आपने, ये देखिए ये। ओके अच्छा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ये मिंबर है। अच्छा ओके ओके, इस पे मैं चढ़ता हूँ। अच्छा सयान गुड, ये देखिए। तो अब आप थोड़े से बड़े हुए तो फिर आपसे हम डिजाइन करवाएंगे मस्जिद। ओ जबरदस्त ओके, वही मैं सोच रहा था कि चढ़ते किस तरह, यहाँ से वहां से मेंबर पे चढ़े, सही है इधर से ना। हाँ साइड से चले आप, चले बहुत खूब बेटे जबरदस्त माशाल्लाह। हम आप थोड़े बड़े हो जाए फिर आपसे बड़ी मस्जिद बनवाएंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर बड़ी मस्जिद जिसमें फिर हम भी आके नमाज पढ़ेंगे। अजान बहुत अच्छी देते हैं शायद। ओह अजान हम सुन सकते हैं अजान शायान की, शायान आपकी अजान हमें सुनाइएगा प्लीज। ये सुना रहे हैं। अच्छा जबरदस्त
सुनाते हैं अभी। ओके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह यार, यार माशाल्लाह बहुत प्यारी अजान की। तो खैर बड़ों की अजान तो नहीं, मैं इसलिए बोलूंगा कि बच्चे बड़ों से ज्यादा अच्छी अजान देते हैं। तो ये तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये आपने किसी से सीखी है या घर में आपने प्रैक्टिस की है? मैंने खुद ही सीखी है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उसमें देख के किसी वीडियो वगैरह में देख के ऑडियो में सुन के आपने इसको? नहीं मैंने अपने मेरी अपनी सामने मस्जिद है उससे सीखी है। ओह अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त यार। आप तो ये जरा सा इसको जो है ना मुझे टेप करके भेजिएगा, इसका ऑडियो टेप जो है ना मुझे आप इस पर डाल दीजिएगा ग्रुप में, तो मैं इंशाल्लाह उसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, अल्लाह आपको बहुत अच्छा मौज़िन भी बनाए, बहुत अच्छा मौज़िन भी बनाए, बड़े काम ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत खूब बेटे। मुस्तफ़ा क्या बोलना चाह रहे हैं? मुस्तफ़ा हम लोग को अपने कैट के जो हमारे पास पुरानी कैट थी लॉन्ग टाइम को, वाई कैट की फोटो शेयर करें। हाँ कीजिए। हमने एक बिल्ली खरीदी ली, उसको फौरन नेक्स्ट डे वापस कर दिया था, इसलिए उसने बहुत गन मचाया था। और गन नहीं मचाया था उनको, सब हम सबको गन तो नहीं मचाया था, हम सबको खांसी होने लग गई जिससे। हाँ एलर्जी हो जाती है। अच्छा कहाँ बच्चा था ये? वाज इट अ स्मॉल किटन? किटन थी। अच्छा चाइना में भी यही की तरह बिल्लियां होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं। सेम बिल्ली होती है। देखिए ये हमारी बिल्ली थी, हमने खरीदी थी। नहीं नजर आ रही। हाँ अच्छा ब्यूटीफुल। हाँ माशाल्लाह इसका सर थोड़ा बड़ा है, देखिए इसकी बॉडी के लिहाज से ना सर थोड़ा बड़ा है, थोड़ी अलग है नॉर्मल। उसकी शक्ल भी थोड़ी सी अलग मुझे लग रही है, जिस तरह हमारे यहाँ होती है ना, यहाँ पे इसकी शक्ल ज्यादा भरी हुई है, सामने की तरफ आ रही है। ओके हम एक वीडियो में दिखाते हैं। अब्दुल्ला ने गोद में पकड़ी हुई है अभी, आई नहीं।
हाँ अच्छा अच्छा कितने नॉटी होते हैं, कितने शरीर होते हैं, इनको कुछ बॉल बॉल देते हैं ऐसे ये लोग खेलते हैं, छुपते हैं फिर एकदम से भाग के आते हैं, डराते हैं आपको। देखिए अल्लाह ने जबरदस्त इंटेलिजेंस दी हुई है सब चीजों को। अब एक वीडियो दिखा दें आपको। देखें नजर आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन तो नजर आ रही है, अभी शुरू नहीं हुई वीडियो। हाँ सही है, ये बिल्ली हमारी। हाँ ये उसका आपने वो बनाया था, वो मिट्टी डाल के जो वो पेरिया। ये तो बहुत छोटी लग रही है, मेरा ख्याल इट मस्ट भी कितना एक दो महीने की होगी। एक महीने की? सिक्स मंथ्स की है। अच्छा सिक्स मंथ्स की है, ओके। ये देखें अच्छा बिल्ली आवाज किस तरह निकालती है, आप लोग क्या बोलते हैं बिल्ली किस तरह आवाज निकालती है? बिल्ली हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ली किस तरह आवाज निकालती है? बिल्ली की आवाज निकालें आप, नॉर्मल आवाज निकालें। हम बोलते हैं ना मियाओ, मियाओ करती है बिल्ली, मियाओ। तो जापान में मैं गया तो वो बोलते हैं कि बिल्ली जो है वो मियाओ करती है एन से। अच्छा वो भी सही है, हम तो चूंकि किसी ने बोल दिया म्याओ तो हमें उसके में म्याओ नजर आता है, लेकिन अगर आप म्याओ म्याओ बोले और बिल्ली को सुने तो आप लेकर बिल्ली म्याओ बोल रही है। वो भी अलग अलग जगह पे ना वो अलग अलग आवाजें वो हम जानवरों को देते हैं। पहले से ये कुछ और दिखा रहे हैं बेटे आप दिखा सकते आपने लास्ट एक वीडियो दिखाई थी वैसे एक और दिखा सकते हैं उस तरह की एक और। अच्छा चले वो हम दिखाते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं और मेरे जो छोटे छोटे साथी वो और कुछ दिखाना चाह रहे हैं आज जो है। मुझे आईना भी बहुत खामोश नजर आ रही है। आईना बेटे आप खैरियत से तो हैं, तबीयत सही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ दिखाएंगी? जी सर मैं आपको मेरे घर में मैंने असल में प्लांटिंग की थी ना तो उसमें से एक भिंडी निकली। अच्छा, आपको दिखाइए। माशाल्लाह ये आप शेयर करेंगे आपको मैं वो दूँ? नहीं मैं कैमरे से दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा कैमरे से दिखाइए। ओके जबरदस्त अल्लाह की शान। अरे देखिए उग रही है। हाँ माशाल्लाह ये सब भिंडी के पौधे ही है, ये सब पौधे अराउंड है जी? नहीं ये वाला भिंडी का है, ये वाला शायद हरी मिर्च या फिर बैंगन का है, और ये वाला देखिए पुदीना। हाँ नहीं हम बैगन लगाए थे सामने, हमारा जो हमने बनाया ना ये विलेज उसमें। अच्छा। बैगन लगाए थे, इतने बैगन हुए, इतने बैगन हुए हमें चार पांच घरों में हर रोज बैगन पहुंचे। बाजरा चिड़िया क्या करती थी, चिड़िया खाती थी सारा नीचे गिराती थी, गमले में गिर जाता था,
और फिर खुद ब खुद उग गया। उग जाते थे, अच्छा सुभान अल्लाह, जबरदस्त। ये तो ये इससे क्या होता है, नहीं आप हाथ से निकाल लेते हैं दाने, हाथ से स्क्रब करते हैं तो दाने निकल आते हैं? मैंने कभी निकाला नहीं है। अच्छा सही है, इसलिए कि यहाँ पे मिलता है ना बाजरा, बाजार में मिलता है, तो वो दाने निकालते हैं, मेरा ख्याल हाथ को करने से दाने निकालते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम दाने ऊपर रहते हैं या अंदर की तरफ होते हैं थोड़े, यानी हिलाने से दाने तो ये रहे ना, इसमें दाने नजर आ रहे हैं जी। तो ये अभी पकेंगे या कच्चे हैं, क्या है? मेरे ख्याल से भी कच्चे हैं, पकेंगे। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, सही है। और कोई दिखाएंगे? और तब मेरे पास नहीं है। अच्छा चल रहे, इंशाल्लाह अगली बार आप मुझे बताइएगा आपने भिंडी कितनी बड़ी बड़ी तेजी से बढ़ती है। मेरी खाला के इतनी बड़ी बड़ी भिंडियां थी, लेकिन अब उन्होंने उसका पौधा हटा दिया, इतनी बड़ी बड़ी थी। अच्छा भिंडी में क्या होता है, अगर ज्यादा बड़ी हो जाए ना भिंडी तो वो सख्त हो जाती है, तो फिर वो खा नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा फाइबर उनमें होता है। नॉर्मली जब हलीमा आप कुछ बोलना चाह रही है, आप कुछ दिखाना चाह रही है? जी सर, मैंने कुछ प्लांट्स दिखाने हैं आपको। हाँ दिखाइए प्लीज। देखिए अल्लाह की क्या जबरदस्त तख्लीक है, अल्लाह ने क्या क्या कैसी कैसी चीजें बनाई, फिर उसमें मजा दिए, उसमें रंग दिया, उसमें स्मेल दी। शिमला मिर्च का पौधा है। अच्छा शिमला मिर्च मैंने बड़े बचपन में लगाया था, उसके बाद मैंने ज्यादा देखे नहीं पौधे उसके, इसमें बड़े निकलते हैं शिमला मिर्च? अभी तो नहीं। अच्छा आपने आपके सामने निकले इसमें कभी शिमला मिर्च निकले आपके सामने? नहीं अभी नहीं निकलना शुरू। अच्छा इसमें इधर देखिएगा कि एक ही रंग के निकलते हैं, किस रंग के निकलते हैं, या एक पौधे में डिफरेंट रंग भी निकलते हैं, किसी को मालूम है? मुस्तफा अब्दुल्ला आपको, एक पौधे में एक ही रंग के निकलते हैं शिमला में, कैप्सिकम जिसको बोलते हैं? देखिए ग्रीन तो सबसे ज्यादा आम है, फिर ये अलग अलग कलर के भी होते हैं, रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है मेरा ख्याल, और डिफरेंट कलर येलो होता है, ऑरेंज कलर। सर एक और पौधा मैंने मेरी बहन ने उगाया है, माल्टे का। अच्छा तो निकला है माल्टे का, क्या छोटा पौधा लगाया था या बीज से निकाला? अभी अभी कुछ दिन पहले बीज डाला था। अच्छा सब जबरदस्त, यहाँ पे भी बहुत सारे दरख्त लगे तो हैं माल्टे के, अलग अलग अमरूद के, लेकिन अभी मेरा ख्याल अगले साल निकलेंगे इंशाल्लाह। ये बड़े दरख्त लगाए उन्होंने थोड़े, शिमला मिर्च निकलते हैं ना, वही मैं डाल दिया करती थी। अच्छा ये मैं तो अमूल डालता हूँ लेकिन निकले नहीं कभी, मैं मुझे बड़ा शौक है, मैं जब बाल्टी वाल्टे खाता हूँ ना बाहर बीज डाल देता हूँ। मैं तो बस डालती रहती थी, बहुत ज्यादा खरीदनी पड़ती है। अच्छा इसी तरह खजूर, लोग खजूर के भी डालते रहते हैं ना गुटलियाँ, तो उसमें भी कभी कभी हम पहले बच्चों ने हमने देखा था, फेंकते थे तो कुछ अर्से बाद वो छोटा सा पौधा निकल आता था। ये बहुत कम होता था कि बड़े हों, वो पौधा मेरा हल सूख जाता था, उसको पानी नहीं मिलता था। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान। और कुछ दिखाएंगी आप? और कुछ दिखाएंगी हलीमा? नहीं अभी नहीं। अच्छा चले सही है,
और तजमीन आप कुछ दिखाना चाहेंगे? सॉरी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? जी हादिया, आप बोल रही हैं? हादिया नहीं, मोहम्मद बोल रहा है। ओ मोहम्मद, मोहम्मद आप कुछ दिखाएंगे बेटे? चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह, मेरा ख्याल ये है मुस्तफा अब्दुल्ला, मैं अगली बार आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो, वो वाटर साइकिल का जो थी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी से मैं नमाज का वक्त भी हो गया है, 1:15 हमारे मस्जिद में अजान नमाज हो जाती है, 1:10 हो गए, मैं भी नमाज के लिए निकलता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली बार आप लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ है ना उसके वीडियोज अगर बना सकते हैं या आप कैमरे से उस वक्त दिखा सकते हैं, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर 12 बजे में, यहाँ के पाकिस्तान के 12 बजे, आप लोगों के पास 10 बजे होंगे सऊदी अरेबिया में, अलग चाइना में जो है अभी 1-2-3 बजे, नहीं चाइना में तो मेरा ख्याल कितना टाइम हो गया, 4-5 बजे। चले ओके, अल्लाह हाफिज, अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, हरिया मोहम्मद सब मुस्तफ़ा और जुमेरिया आयना, अल्लाह हाफिज बेटे।